भारतीय जनता पार्टी का व्याप बढ़ाने के लिए, विस्तार बढ़ाने के लिए जिन्होंने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत करने का यश जिनके सर है और जो भारत की राजनीति के चाणक्य भी माने जाते हैं, वैसे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता प्रधान अमित भाई शाह आज हमारे साथ है। गांधीनगर लोकसभा के लोकसभा उम्मीदवारी कर रहे हैं और आज उनके रोड शो में शामिल हुए हैं। सर बहुत स्वागत न्यूज 18 में। सर अब की बार 400 के पार ये नारा लगाया। पिछले चुनाव का अगर जो परिणाम देखें तो 5 राज्य ऐसे थे जिनसे आपको 100% के करीब सीट्स मिली थी, तो इस बार कौन से स्टेट को साथ लेके आपको लगता है कि 400 का जादू आंकड़ा पार कर पाएंगे? हम ओडिशा में बढ़ेंगे, तेलंगाना में बढ़ेंगे, तमिलनाडु में बढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल में बढ़ेंगे, कई सारे राज्यों में एक दो सीटें छूट गई हैं वहाँ पर 100% करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी हमारी सीटों की बढ़ोतरी। सर जिस सीट से आप ये दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसी सीट से अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ चुके हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लालकृष्ण आडवाणी भी चुनाव लड़ चुके हैं, कैसी अनुभूति इस सीट से लड़ने की, दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं? अटल जी आडवाणी जी का भी मैं चुनने इच्छा था, यहीं से मैं 30 साल तक विधायक सांसद रहा हूं, हमारे अपने लोग हैं, मैं इन्हीं के बीच में बड़ा हुआ हूं, कार्यकर्ता बना हूं, विधायक बना, सांसद बना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, गृह मंत्री बना, जो कुछ भी मुझे दिया है इसी क्षेत्र में। सर गुजरात में हर सीट 26 सीट 5 लाख की नीड से जीतने का जो लक्ष्यांक है, अगर पिछले चुनाव की बात करें सिर्फ 4 सीटें ऐसी थी इंक्लूडेड योर सीट के जिसमें से 5 लाख की लीड मिली थी, तो अभी किस जादुई मंत्र से आपको लगता है कि हर सीट पे 5 लाख की लीड मिलेगी गुजरात में? देखिए मैं इतना कह सकता हूँ, हर सीट पर हमारी लीड में बढ़ोतरी होगी और जिसका नोट लेना पड़े ऐसी बढ़ोतरी। सर कई जांच एजेंसियां हैं ईडी से लेकर सीबीआई, विरोध पक्ष जो है वो आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगा रहे हैं जांच एजेंसियों पे, आप इन जांच एजेंसियों की कामगिरी को किस तरह से देखते हैं? देखिए जांच एजेंसी अपनी काम कर रही है, अगर किसी को भी ग्रीवेंसेस है तो कोर्ट में जाना चाहिए, वो कोर्ट में नहीं जाते हैं और प्रेस के पास जाते हैं। मुझे तो लगता है मीडिया ने कभी न कभी उनको बताना पड़ेगा इसका राइट फोरम कोर्ट है। सर मैनिफेस्टो की अगर बात करें, भाजपा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है मैनिफेस्टो में और वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है, किस तरह से ये वचन पूरा कर पाएंगे, कब कर पाएंगे और इससे जनता को क्या फायदा है? देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड तो उत्तराखंड से हमने शुरुआत कर दी है और मुझे विश्वास है देश की जनता इसका स्वागत कर रही है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए हम प्रयास करेंगे। जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसने अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी। हम आने वाली टर्म में सरकार बनने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कटिबद्ध। सर सीए लागू होने के बाद कई विरोधी पार्टियों ने इसे विरोध जताया है, इस निर्णय का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? देखिए भारत की संसद का कानून है, इसमें स्टेट को कुछ नहीं करना है और ये कानून अब हकीकत है। सर आखिरी सवाल, आप सहकारिता मंत्री भी हैं, बहुत सारे परिवर्तन आए हैं सहकारिता क्षेत्र में आपकी अगुवाई में, अगले 5 साल में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? हमारे घोषणा पत्र में नरेंद्र भाई ने सहकारिता का भी लक्ष्य रखा है, हम सहकारिता नीति लेकर आएंगे, दुग्ध समितियां और पैक्स इसका चाला बुनकर ग्रामीण स्तर पर कोऑपरेटिव को मजबूत करें। सर आपको अपने चुनाव प्रचार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता प्रधान अमित शाह, कैमरा पर्सन हिरेन शाह के साथ गीता मेहता, न्यूज 18 गुजराती, धन्यवाद।